मध्य प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के ताजा बयान से एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस दफ्तर में संवाददाता सम्मेलन में कमलनाथ से सवाल किया गया था। जवाब में कमलनाथ ने कहा, हमने उन सभी महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो चुनाव जीत सकती हैं। केवल कोटा और सजावट के लिए हमने इस रास्ते को नहीं चुना। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने एतराज जताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है। देखिए, हमने महिलाओं को, जो जीतने वाली महिलाएं थी, उनको टिकट दिया है। केवल एक कोटा और सजावट के लिए हम उस रास्ते में नहीं गए। इधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता महिलाओं को सजावट की वस्तु के तौर पर देख रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता को दिखाता है। बीजेपी नेता राजू मालवीय ने कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कोई सजावट की चीज नहीं है, यहाँ महिलाएं मान सम्मान से देखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता इस दर्जे पहुंच गई है कि वो महिलाओं को सजावट की वस्तु कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने महिलाओं को सजावट की वस्तु कहा है। दुर्भाग्य है, हम जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं वहां महिलाएं मान सम्मान और प्रतिष्ठा घर की मानी जाती है। बहनों को मध्य प्रदेश में बहुत ही अधिक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। मुझे लगता है कमलनाथ जी के बंगाल में महिलाओं को सजावट की वस्तु माना जाता होगा। इतने लंबे समय मध्य प्रदेश रहने के बाद भी वे मध्य प्रदेश के संस्कार, मध्य प्रदेश की रीति नीति को समझ नहीं पाए और आज फिर एक बार वे बहनों का अपमान कर बैठे। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश को बलात्कारी मध्य प्रदेश कहकर मध्य प्रदेश की माताओं, बहनों, मध्य प्रदेश के निवासियों का अपमान किया था। मुझे लगता है ये कांग्रेस की विकृत, नीच और घृणित मानसिकता है बहनों के प्रति, जहां उनकी दृष्टि में बहनें सम्मानजनक रूप में देखी ही नहीं जाती। मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस को ऐसी मानसिकता से बाज आना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, वरना जवाब तो हम भी दे सकते हैं और उससे बुरा जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते। कभी पुरुषों के टिकट काटने में तो कभी उन्होंने इस तरह के किसी मापदंड का जिक्र नहीं किया। चुनाव से पहले आरएसएस की शाखाओं पर बैन का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बीजेपी ने फिर एक बार कमलनाथ के बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि ये दोनों मुद्दे चुनाव पर क्या असर डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।